हमारे साथ हैं आज उस्ताद इदरीस, जो उस्तादों के उस्ताद हैं, और बात करेंगे इनसे हम लोग पतंग के बारे में, पतंग के दौर के बारे में। उनके पास देखिए काफी अच्छा काइट कलेक्शन भी है, काफ ठड्डे गाट वाले हैं, जो मिलना ही नामुमकिन है, जो खुद पास खरीद के दिया गया है, ऐसी गाटदार पतंगे देख सकते हैं, एक से एक कार्य। पतंगबाजी का दौर जो था पहले से अब काफी बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। लेकिन हम लोग के लिए कुछ भी नहीं बढ़ा है, कुछ भी हम लोग आज भी उसका तोड़ कर लेते हैं पतंग। अच्छा। मतलब पेज लड़ाने में आज जो हम लोग के साथ के लड़के हैं वो भी इंडिया में एक नंबर लड़ा रहे हैं। मतलब आगा भजू है हमारे साथ के जी। आरिफ लड़ा रहे हैं, मुन्ना भाई का लड़ाते हैं लोग जी, और इडेरी है, शकील है, लोग सब लड़ाते हैं। तो आज भी लोग इंडिया में सबसे अच्छी पतंग लड़ा रहे हैं। पर ये हो गया कि फर्मा छोटा हो गया है, फर्मा छोटे चलन फिर तेज हो जाती है, इसलिए छोटा कर दिया। नहीं ये बात जो है देसी बात ही मिलता है नहीं, हमने स्पेशल करके मंगाया था कलकत्ते से, हमारे पुरानी पतंग हमारे मामू ने मंगवाया था फारूक। अच्छा। तो शेख फारूक जी आप भी पतंग का शौक करते हैं? हाँ मैंने बहुत शौक किया, मेरा ही कलेक्शन। अच्छा, ये आप ही का कलेक्शन है, तो बहुत ही गजब का कलेक्शन है फारूक जी का। बहुत है मेरे पास अभी, बहुत रखा। अच्छा, ये कुछ है मतलब ये काफी पुरानी पतंगे होंगी? हाँ, इसमें 20 साल भी पुरानी पतंगे हैं। 20 साल भी पुरानी। अब ये मेरे हाथ में जो है ये, इसको 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। उस्ताद अली नवाब जी की है ये? जी, अली नवाब साहब ने मुझे तोहफे में दी। अच्छा, तोहफे में दी थी। तो उस समय मतलब आप किसी क्लब में लड़ाते थे जब आप अपनी पीक पे होंगे? हाँ। किस क्लब में? राइजिंग चौक। हाँ। काप ठड्डे कुछ अलग ही लगे हुए हैं जो आजकल इस तरह से मिलते हैं, इसके बारे में पहले अपने खुद मंगवा के लगवाए जी। पहले के लोग थे शौकीन जी, जिनको कहते हैं शौक शौक, और शौक के साथ साथ एक लफ्ज इस्तेमाल कर दूं कि वो करते थे शौक, यानी दिल से उस काम को करते थे। आज जो है सिर्फ पतंगबाज पेच लड़ाता है तो वो वहाँ से यहाँ चला आता है, पहले लड़ते थे पेच और लड़ती थी डोरे और पतंगे। अब क्या है, अब पैसा लड़ रहा है, पैसा लड़ रहा है। अब उन्होंने चार, पहले देखिए अगर किसी ने दो पेच काट दिए तो हमारे बचपने की बात बता रहा हूँ कि लोग जाते थे उसको देते थे वैसे। अच्छा, खुशी बेटा बहुत अच्छा पेच काट दिया, आज हम दो पेच काटे देते हैं तो वो चैलेंज करता है कल आ जाना ग्राउंड। अच्छा, ये फर्क हो गया पतंगबाजी, वरना पतंगबाजी कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, सेहत के लिए भी अच्छी है, और वैसे बशर्ते कि लोग वैसे अब नहीं रहे। तो आज भी फारूक जी आज शौक करते हैं मतलब उड़ाते हैं? भाई अब मैं मजबूर हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे शौक कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे शौक करते हैं और मेरे पास मटीरियल आपके पास बहुत है, बहुत है, लेकिन ये है कि बैठ के देखने का शौक आज बस चलाया। देखिए देखिए, शहर में चौक के करीब एक खाता है जहाँ से पतंगे आज भी उड़ाई जाती हैं। उस्ताद इदरीस, उस्ताद आगा, सभी लोगों ने इस जगह से शौक किया है, और ये पतंगे कुछ लड़ रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से आज भी पतंगे लड़ाई जाती हैं। हमारे साथ हैं राजू भाई भी, जो कि मोहल्ले के ही नागरिक भी हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं पतंग से रिलेटेड, क्या कहना चाहते हैं राजू भाई? मैं भी शौक करता था। अच्छा अच्छा, आपने भी मतलब बंद कर दिया है? कम कर दिया। और तो हमारे साथ शकील गाजी भी हैं, कुछ कह रहे हैं राजू भाई के बारे में कि शौक बंद करा दिया गया इनका। इनके पास ऐसा कलेक्शन है जी, लेकिन इनके खजांची साहब हैं जी, चार चार करके दे देते हैं। अच्छा, चार पतंग, अच्छा, चार चार करके सब चार तो गायब हो गई, 4,000 तो है। राजू भाई क्या कह रहे थे? मेरे पास भी जो कलेक्शन है उसमें जो अभी जैसे उस्ताद ने दिखाया मूली बांस, गिटेदार मूली बांस, ये बांस जो है मिलता नहीं है। मैंने भी अपने कलेक्शन के लिए बांस आसाम से मंगवाया, आसाम से, मतलब सिर्फ अपनी पतंगे बनवाने की, पतंगे बनवाने के, उसको छिलवाया, फिर उसके कांपे बनवाई, फिर उसको सिखवाया, फिर उसकी पतंगे मेरे पास अभी कलेक्शन में। तो उस समय मतलब कौन सा कारीगर पीक पे था, किसका नाम था जिससे आपने? मैंने बोला उस्ताद से बनवाया था, उनके लड़के पतंग बनाते हैं, मतलब पतंगबाज वो बनाते हैं, बोला उस्ताद तो रहे नहीं, उनके कलेक्शन, उनके हाथ की पतंगे मेरे पास, अली नवाब साहब के हाथ की पतंगे कलेक्शन मेरे पास कलेक्शन। तो उस दौर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? उस दौर में जैसे मामू ने बताया, क्योंकि देखिए इस टाइम उम्र में सबसे ज्यादा बड़े हैं हमारे साथ जो हैं फारूक जी हैं, तो उस समय बताइए मतलब कैसा शौक होता था डोर के बारे में, पतंग के बारे में? उस वक्त में जी ना तो डोर के अंदर कोई केमिकल इस्तेमाल होता था जी, ना वो चाइनीज होता था, ना जापानीज होता था, कुछ नहीं, यही आता था धागा, और इस पर कारीगर अपना शीशे के साथ रियाज करता था। और फिर कुछ लोग ऐसे इसमें गुजरे हैं जो ये दावा करते थे कि ये डोर ले जाओ तुम लड़ाओ। अच्छा, उसमें एक नाम मेरे सामने आ रहा है, उस्ताद अब्दुल रब, अब्दुल रब, मतलब उस समय। हाँ। तो आज अभी ज्यादा मतलब नहीं हुए, मेरा ख्याल 25-30 साल हुए उनका इंतकाल हुआ, तो मतलब उनके कोई खानदान में आगे डोर बना रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं बना। एक बात याद रखिएगा,
जो अच्छा कारीगर होगा अपने पीछे छोड़ के नहीं जाएगा, हुनर नहीं दिया, हुनर नहीं दिया नहीं। और बड़े अच्छे अच्छे लोग थे पतंगबाज बनाने वाले, मगर क्या हुआ अब हम ना तो उनको पैसे दे पा रहे न कुछ, शौक पूरा हो रहा, शौक पूरा हो रहा और उस शौक के अंदर जो हुनर है वो खत्म हुआ जा रहा है। पहले ये था कि आप पेट लगा रहे हैं, चला जा रहा पेट, अब काटे जोर काटे हुनर काटे, अब तो ये है कि तूने कैसे काट दिया मुझे, यही पीछे गाते बैठे डंडा लेके आ जाएंगे। अच्छा ऐसा है शकील भाई, क्या कह रहेगा काट दिया तो डंडा लेके आ जाएंगे? नहीं उस दौर में पेश सच्चे लड़ते, सच्चे लड़ते हैं। तो ये चलाई है जो कहा जाता है कि झूठा करा के लाओ और झूठा करा के लाओ, दौर के हिसाब से सब बदलता चला जा रहा है। तो फारूक जी ये बताइए, मतलब उस समय का जो पतंगों का रील का आपने बता दिया, जैसे अब्दुल रब, पतंग का कौन सा कारीगर था जिससे आप लोग मतलब उस समय पतंगे बनवाते होंगे? क्योंकि मेरे हर्ष बात है कि वो क्या नाम बाबूलाल, बाबूलाल और इशाक थे, अली नवाब उस्ताद तो हयात है, आज भी गफार साहब इसी मोहल्ले में, गफार बहुत अच्छे पतंग बनाते थे, बहुत से लोग थे, बहुत से जो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे पतंगे बनाते। और जो ये बताते हैं कि पहले जो काप ठंडे होते उसको तेल में भिगोते थे, क्या ऐसी पतंगे बनती थी? बांस जी, बांस को छील के फिर बांस के खोल के अंदर तेल भरते थे जी, और तेल भर के उनको कापों को उसमें डाल कर धूप में रख देते थे, तो वो पी भी लेती थी और सूख भी जाती थी। उससे फायदा क्या था? उससे फायदा ये था कि काप को जिस जगह हम चाहते थे जैसा चाहते थे वैसी हो जाती, अच्छा वैसी हो जाती। ये छप्पन भाई के छप्पन उस्ताद का इंतकाल अभी कुछ दिन पहले हुआ है, अच्छा छप्पन उस्ताद के कंका हुए भी हैं और इंतकाल अभी कुछ दिन पहले छप्पन उस्ताद का हुआ है, काफी कलेक्शन है और सब एक से एक जो उस्ताद है पतंगों के बनाने वाले। और ये देखिए आशिक अली जी का भी है, बढ़िया ये मोहर रहती है आप, बढ़िया सब एक से एक उस्तादों के कलेक्शन है, किसी भी नॉर्मल कारीगरों के नहीं है, जो उस्ताद हैं अपने जमाने में एक पीक पे थे सब उनकी पतंग है। पहले लोग शौक में अच्छी चीज रखते थे, अच्छी चीज। तो हमारे साथ में तालिब साहब हैं जो कि उस्ताद आगा के साथ बचपने से शौक करा है और सीखा है, तो तालिब साहब कुछ बताइए मतलब उस्ताद से आपने क्या सीखा और कैसे सीखा, आप पतंग उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे हैं? अच्छा बंद कर दी, तो मतलब इतना सीखने के बाद बंद क्यों कर दी? किसी क्लब में लड़ाते थे? गाजी क्लब ही है। अच्छा गाजी क्लब इन्हीं का है। तो देखिए हमारे साथ आज है तालिब भाई जो कि शकील गाजी जो क्लब चलाते हैं वो गाजी क्लब तालिब भाई का ही है, तो क्या कहना चाहते हैं मतलब उस समय? अरे हमने गाजी क्लब से पहले आगा बैयू के साथ इंटरनेशनल में लड़ाते थे। अच्छा तो मतलब उस्ताद हैं वो आपके? उस्ताद ये हैं हम दोनों साथ में। अच्छा साथ में लड़ाते हैं उस्ताद, अच्छा दोनों के उस्ताद इदरीस भाई हैं। तो सुना है कुछ फारूक जी भी कुछ कह रहे थे, हमको बताते थे चरखी पकड़ के वही लड़वाते थे। अच्छा चरखी पकड़ लड़वाते थे। अच्छा फारूक जी आप क्या कह रहे थे तालिब जी के बारे में, सीखने के बारे में कि किस तरह से पहले सिखाया जाता था? इनको पहले इनको सिटी स्टेशन पे खड़ा था वहाँ ले गए, अच्छा वहाँ जोर कराया इनको, जान पैदा की, फिर इनको जो पतंग सिखाई है जी, तो अगर ये कट जाते थे जी तो घर पे आके पैर बांध के इनको मारते थे कि तुम ये पेज कटेगा। अच्छा मतलब ऐसा होता था पहले? हाँ, इस तरह से इनको सिखाया जा रहा है, सिखाया गया है। एक उस्ताद के नाते उसने इस तरह से सिखाया है, मेहनत करी है मतलब, बहुत मेहनत किया और इन्हीं ने भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सीखा। तो इस उस्ताद कुछ बताइए उस दौर के बारे में, क्योंकि जैसे आजकल टीमें बाहर से आती हैं जाती हैं आप लोग भी जाते हैं, तो मतलब क्या ये पहले से सिलसिला चलता रहा या अब नए दौर में ये शुरू हो गया है कि टीमें आएंगी? अच्छा पहले से ही चल रहा है, इतना हो गया है कि अब बाहर की टीमें अच्छी हो गई, पहले इतनी अच्छी टीमें नहीं थी। अच्छा पहले हर शहर में इतने लोग नहीं चलाने वाले, इतनी मजबूत टीमें अब हो गई है, पहले नहीं थी। लेकिन हम लोग यहाँ के जो लड़के लड़ाने वाले हैं वो आज भी उनको जवाब देते हैं। अच्छा जवाब देते भैया, एक जरा एक टूर्नामेंट जीते थे ये लोग, ये हमारे साथ में आरिफ भाई, देखिए एक टूर्नामेंट ये जीते दोनों आदमी जी। अच्छा दोनों लोगों ने किस ईयर में बताऊं? अरे भाई किस ईयर में जीता था? 2012 का। कहाँ पे कौन सा मतलब लखनऊ? अच्छा कॉल साहब ने करा था, अच्छा राइजिंग चौक से जीते थे। ऑल इंडिया था या लोकल टूर्नामेंट? लोकल टूर्नामेंट पौने का टूर्नामेंट। तो उस्ताद ये बताइए कि जैसे टीमें आती हैं और जाती हैं तो मतलब उस समय क्या कैसे होता था, क्योंकि मोटर गाड़ी तो थी नहीं, तो क्या आने में टीमों को तो महीनों लग जाते होंगे? नहीं नहीं गाड़ी तो थी, ट्रेन तो पहले भी थी, और उससे पहले मतलब पतंग तो आजादी के समय से लड़ रही है तो ट्रेन का इतना इंतजाम था उस समय के, पहले हम थे ही नहीं। अच्छा और हमारे बुजुर्ग भी नहीं थे मेरा घर। अच्छा जो फारूक जी हैं इनकी उम्र भी करीब 70-75 की है जी, तक बुजुर्ग नहीं थे लड़ाने वाले। अच्छा तब उस समय हाँ, तब शौक
टी बहादुर बहुत नाम है उनका जी। मेजर नवाब, मुन्ने नवाब, आगा नवाब, ये रईस लोग आते थे, ये लोग पतंग लड़ाते थे। और आपके इसमें बड़ा अच्छा चीज बता दूं कि वहाँ मुखबरी हो गई होता था जुआ। अच्छा, मतलब पतंग पेज पे पैसे लग जाते थे। अकी भाई ये काटे वो कहे वो काटे। अच्छा, तो मुखबरी हो गई, दरोगा साहब आए वहाँ, उन्होंने पकड़ लिया। अच्छा, तो कर्नल मेजर आए, उनका भाई क्यों पकड़ा, उन्होंने कहा कि जुआ खेल रहे थे। उनका भाई संगाइए, उन लोगों ने कहा पेज लड़ाओ, कहना चुपचाप सुनिए, अभी तुमने चुनी काटी पता कर, कहने देखिए हम लोग गाली सुन रहे हैं। हाँ, हमने कहा इसलिए शौक करते मरते जाइए। तो ऐसे लोग थे, मतलब सब शानदार लोग थे जो पतंगबाजी में, इसीलिए नवाबी शौक कहा गया, इसीलिए नवाबी शौक। अब तो घर में दाने नहीं, अम्मा चली बनाने, चटनी ले ली, हम जा रहे पतंग लड़ाने। भैया गलत कह रहा हूँ? बहुत अच्छा टाइम था एक टाइम पे पतंग, लेकिन अब तो बहुत दौर बदल गया है। बहुत दौर। तो उस्ताद फारूक जी, आपने कौन कौन से मतलब उस समय टूर्नामेंट लड़ाए होंगे? कोई टूर्नामेंट? कोई टूर्नामेंट नहीं लड़ाया। कोई टूर्नामेंट लड़ाया? कोई मुझे अपने कारोबार से फुर्सत नहीं। जितने भी सिगरेटे हैं जी, वो ITC की, ITC जिसका नाम है इंडियन टिबैको कंपनी, उसने सिगरेट निकाली थी 99, और उसी 99 सिगरेट का उसने टूर्नामेंट कराया था। अच्छा, मतलब ITC कंपनी ने जो विल्स नाम उसका टूर्नामेंट हुआ था, उसी ने 99 टूर्नामेंट कराया था। और ये मेरा ख्याल है कम से कम इसको नहीं होगा होंगे तो 50 साल हो। अच्छा, टूर्नामेंट को 50 साल हो गए। हाँ। तो उस समय के मतलब टूर्नामेंट के जैसे आज के रूल हैं वही रूल थे हैं, कुछ और था? इतने तो मुझे भी तो अच्छा इतने नहीं आया। अच्छा, और पुराना है मतलब साल कम से कम हो गया हमारी नाली। तो मतलब कुछ आइडिया किसने उठाया या कुछ ऐसा जो उसने लड़ाया हो वो अभी भी हो? कोई नहीं उस वक्त, मतलब बहुत पहले टूर्नामेंट हुआ था। बहुत पहले। तो आपकी जब नॉलेज में टूर्नामेंट आया तब कौन सा टूर्नामेंट हुआ था जब आपको समझ में आया है? सुना है जी, देखा हो, गए हो? कानपुर में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसको इन्होंने उठाया था। अच्छा, जिस उस्ताद ने उठाया था। अच्छा, 102 टीमें थी जिनको जीत। अच्छा, 154 टीमों पर। अब तो टूर्नामेंट बदल गया, 128 टीमों को कराया जाता है। ऐसा है, भूसा चाहे जितना भर दीजिए गाय वही खा लेती है, उसमें माल होता है। माल होता, सही बात। जबरदस्ती घुसते हैं, प्लेयरों को लाना चाहिए टूर्नामेंट। टूर्नामेंट मगर अब तो कोई भी, हाँ, एंट्री फीस मिली और कोई भी लड़ा लेगा, लड़ा लेगा। तो उस्ताद इदीस, आपने जब टूर्नामेंट उठाया था कानपुर वाला, तो उसमें आपके साथ किसने लड़ाया था? हमारे साथ राजा भाई लड़ाया, जामिन लड़ाया। अच्छा, राजा भाई ने लड़ाया। राजा भाई का इंतकाल हो गया। हाँ। उनका भी क्लब चलता था। कंकड़ को वाले कंगौ बनाते थे। हाँ, इकबाल साहब थे हमारे साथ। उस्ताद बहुत, उस्ताद आगा जी बहुत तारीफ करते हैं इकबाल साहब के कंगौए के बारे में। तो क्या कहना, मतलब कहते हैं उनसे अच्छा कंगौआ किसी का था ही नहीं। सच बात है, सच बात। मगर मीडियम पेज का। अच्छा, मीडियम पेज का। और सबसे अच्छा कंगौआ जो होता था बाबूलाल का होता, बाबूलाल का, क्योंकि वो दोनों होते थे, मीडियम भारी हल्का दोनों बना लेते। पतंग और ये का खेल जो है वो दोनों बराबर का है, बराबर का है। आदमी कहता पतंग अच्छी हो लगी, भाई अगर हमारी रील अच्छी है और पतंग खराब है तो पेज फंसा हुआ है, पेज फंसे में पतंग आगे नहीं बढ़ रही है, और रील अच्छी हमारी बचा रही है, लेकिन आखिर में बचाते बचाते पतंग ने नहीं बढ़ी तो पेज कट गया हमारा, तो रील ने पेज कटवा दिया। ठीक है, इसी तरह जब रील और पतंग का दोनों का मामला होता है और उसमें पतंग अच्छी बनी हुई है और रील खराब है, तो पतंग तो काम कर रही है, देखिए रील की खराबी से पेज कट जाता है, रील खराब। तो लिहाजा ये है कि दोनों चीजों का हिस्सा है, दोनों चीज, मतलब दोनों ही अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी। और खिलाड़ी उसको चलाने वाला, अच्छा चुटकी अच्छी हो, चुटकी अच्छी होना चाहिए खिलाड़ी। तो अब यहाँ पे तीनों चीज हो गई कि पतंग, रील और खिलाड़ी, मगर फर्स्ट नंबर खिलाड़ी है, फर्स्ट नंबर खिलाड़ी। पेज कम से कम सही तो लड़ा है, कम से कम पेज ही नहीं सही लगा तो फिर डोर और पतंग क्या करें। नंबर खिलाड़ी जिसको लोग पतंग कहते हैं, पतंग नहीं है, खिलाड़ी है, क्योंकि वो पेज अपने एंगल से बना लेता है, अगर जरा सी टेढ़ी है तो पतंग सीधी कर लेता है, नीचा है तो ऊंचा कर लेता है, सब कर लेता है। टूर्नामेंट के बारे में उस्ताद क्या कहना, टूर्नामेंट आदमी लड़ाता है लेकिन बाहर हो जाते हैं, बहुत से लोग आखिरी राउंड तक पहुंचते हैं, क्या मतलब टूर्नामेंट में करे जो जीतने की उम्मीद तो कम से कम थोड़ी ज्यादा हो? देखिए टूर्नामेंट में जीतता खिलाड़ी है, हमारे दौर से इनको दौर से चले आ रहे हैं, सिद्धू चले आ रहे हैं, महमूद अली चले आ रहे हैं, जितने उमदा खिलाड़ी है उमदा ही खिलाड़ियों ने ऑल इंडिया उठाया, ऑल इंडिया। अच्छा, मतलब ये है कि जो अच्छा पे लड़ाने वाला ऑल इंडिया वही उठा पाएगा, वही जीतता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अनाड़ी को जीतता है, क्योंकि सात सात राउंड लड़ना पड़ता है, सात सात राउंड हो गया, दो राउंड हो गया, कब तक तुक्के में लगा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों रील जैसे लोग बहुत ज्यादातर लोग जो है रील बनवाने लग गए हैं, पहले तो दुकानों से खरीदते थे, कोई नहीं जाता था, अब जो पैसे वाले लोग हैं डायरेक्ट कारीगर के पास बरेली पहुंच जाते हैं,
और रीले बनवाते हैं, लेकिन बनवा के लाए उसके बाद भी उन्हें देखा कट जाते हैं, लगता है जैसे कुछ कराए नहीं, जबकि स्पेशल डोर और ये डायमंड और ये सब पाउडर सब पड़ता है, उसके बारे में क्या कहना है? मतलब रील बनवाए तो कैसे बनवाए? जब रील में मसाले डालते हैं, रील बन के तैयार होती है, तैयार होने के बाद वो खिलाड़ी को दी जाती है। अब खिलाड़ी जब उसको लड़ाता है, वो काटता तो फोन करता है कि भाई अब आपके लिए चला देता, वो कहते मैंने ये छोड़ा था इसके अंदर, तो उससे पहले उनको क्यों नहीं मालूम कि इसमें ये पड़ता था, लाओ पहले डाल के हम कहते जाइए लाओ काट दीजिए, लाओ काट दीजिए, ऐसा नहीं है। रील बनाना हमारे एक आदमी को आता था, वली अम्मा उस्ताद बरेली के थे या अब्दुल रब उस्ताद थे यहाँ। अच्छा, इन दोनों को मालूम थी मालूम। अच्छा, अब्दुल रब उस्ताद ये लखनऊ के थे जो रील बनाते थे, इनको मालूम था, ये बनाते थे कटवा देते थे पेज पे। अच्छा, ऐसा था, क्योंकि रील का मामला ऐसा, तो बैठने पर जब सुतती है, सुतने के बाद में जब वो बन के तैयार हुई चरखी वाली, तब मालूम होता है क्या कह रही है। एक टूर्नामेंट बता दूंगा जी, याद आ गया, टूर्नामेंट हो रहा था जयपुर में, जयपुर में हो रहा था, और सुपर टाइट क्लब से और जयपुर से। अच्छा, फाइनल था राउंड, फाइनल राउंड। और उसमें हुआ ये कि इनको काटना थे चार, उनको काटना था दो। अच्छा, टीटू साथ को चार काटने थे। हाँ, और वहाँ ऐसा था कि जब आप गद्दा मारिए तो मालूम होता था कि हम पहाड़ में घुस जाएंगे। अच्छा, जबकि पहाड़, अच्छा सामने पहाड़ दिखते होंगे लेकिन बहुत दूर होगा। मैं तो क्या किया, फोन उस वक्त करके किसी के घर पे और कहा अब्दुल रब से कि उस्ताद ऐसी ऐसी बात है, उनका एक दिन रोक लो। अच्छा, और बाबूलाल से कहा जी, तो बाबूलाल उस्ताद ऐसी ऐसी बात है, हम कहने लगे रोक लो, हम कल भेज देंगे। अच्छा, डोर मतलब भेज देंगे चार पेज के लिए? एक ने कहा मैं डोर दूंगा। अच्छा, दूसरे ने कहा मैं पतंग दूंगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हुनर है, उसको दाद देना चाहिए, वो लोग हैं नहीं कि अब्दुल रब ने रात को डोर बनाई एक खिड़की और उसने चढ़ाई, और उसके बाद में बाबूलाल के पास गया, उन्होंने दिए चार कनकवे तौ किया, उस दिन अभी टीटू जिंदा है, और वहाँ पहुँच के कहा अब्दुल रब ने उस्ताद फंसा लेना। अच्छा, मतलब कुछ भी हो फंसाना है आपको, फंसा लेना, और वो इतनी दूर पर पतंग रोके हुए। अच्छा, उड़ाया डोर बांधे और उसको फंसा लिया, कहें बस अब तुम बेफिक्र रहो, अगर कटेगी तो सदी से कटेगी, वरना कटेगी नहीं रील से, और वरना डोर नहीं कटेगी। अच्छा, और टीटू ने काट काट दिया, फिर स्कोर बाबूलाल की पतंग और उनकी डोर, उन्होंने सब काट दिया, सारे पेज काट दिए, सब पेज काट, मतलब दो पेज का चार करने थे, एक को नहीं कटे उसने, सब काट दिया। उसके बाद में जब मिठाई खाई उसका प्लेट गया तो दोनों को बुलाया, उनको इनाम दिया, तब बाबूलाल ने कहा उस्ताद जो पतंग भेजी थी जी, वो इन पतंगों से 2.5 इंच बड़ी पतंग थी। अच्छा, मतलब तो उस समय क्या पतंगें नपती नहीं थी क्या? नहीं, नपती थी जी, मगर उसने कांप इस ढंग से चढ़ाई थी। अच्छा, लेकिन की मतलब वो साइज में, वो साइज लेकिन कांपे बड़ी, वजन बड़ा, वजन बड़ा, वजन बड़ा, हुनर। अभी बाबूलाल उनके हाँ, उनसे तो मुलाकात है, सुपर में लड़ाते हैं जी जी, उनसे पूछिए, उनसे भी मुलाकात करेंगे एक दिन हम लोग। और उस्ताद ये चीज़ बताइए कि जैसे आपके पास देखिए इतना काफ़ी पुराना कलेक्शन है, एक से एक पुरानी पतंगे हैं, खूबसूरत हैं, इनको बचाए कैसे? इनके पास 10,000 का कम से कम, 10,000 कम से कम। तो फारूक जी बताइए कैसे उनको बचाए, क्योंकि आज भी पतंग आदमी रखता है तो कहीं ना कहीं छेद हो जाता है, दीमक लग जाती है। अपने बारे में बता दें जी कि हम करते हैं सर्विस। अच्छा, जब मेरे रिटायरमेंट का टाइम आया तो मैंने कहा कि अब स्टार्ट कर लो फारूक, इसके बाद तुम कहाँ करोगे जी जी। तो मैंने फिर कनकवे और डोर सब करना शुरू कर, और जब रिटायर हो गया, रिटायर किया उसके बाद मुझे किसी का प्रॉब्लम हो गया, चलने फिरने से परेशान हो गया, तो अभी जो मेरे बेटे हैं, अच्छा बेटे हैं सब, अच्छा ये साथ जाते हैं, आईटीसी कंपनी में है। अच्छा, आईटीसी में ये भी वो भी हैं, वो बड़े वाले भी, उनसे एक छोटा वाला भी है। अच्छा, सब तो हम लोग। और अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ कि मैं मुगलई का शहंशाह हूँ। अच्छा, मुगलई खाने का। अच्छा, खानदान से ताल्लुक रखते हैं? मेरा खानदान, फेसबुक रिकॉर्ड है मेरा। अच्छा, किस चीज़ का? 105 फीट लंबा 1 PC कबाब रनिंग करता हूँ। अच्छा, रनिंग करता हुआ हिंदुस्तान चैंपियन है ये मान लीजिए। अच्छा, मतलब वही तक तो हमें जानने में था कि लखनऊ में खाली टुंडे कबाब ही है। अब सुनिए जी, उसके बाद में ये है, मेरी एक मार्केट में किताब बिक रही है। अच्छा, कौन सी? दस्तरखाने अवध। दस्तरखाने अवध 17,500। अच्छा, ये है मेरे पहचान आप, और मेरे मालूम नहीं कितने सीरियल चल रहे हैं, एक आप भी देख लीजिएगा, हम नाम बता रहे हैं जी, द फूडी फ्लेवर ऑफ नवाब। अच्छा, द फूडी फ्लेवर। हाँ, तो मतलब उसमें
मतलब आपके मैंने गुफ्तगू भी की है अच्छा, और पकाया भी है साथ में खाया भी है। अच्छा अच्छा यूट्यूब पे आ जाए शेफ फारूकी मारे मेरा बेटा उधर अच्छा। ये है ये सब यूट्यूब पे आते हम लोग अच्छा। यूट्यूब में मारेंगे तो हम लोग तो मतलब क्या उसमें वही फूड से रिलेटेड हाँ। शेफ है सब मैं अच्छा आईटीसी नंबर वन कंपनी अच्छा आईटी से उसके अंदर आई टी सी में शेफ है हाँ चल रही है अच्छा वहाँ पे आप आज के लिए देख रहे हैं ये भी है वो भी है अच्छा ये बड़े भाई हैं ये बड़े भाई हैं ये भी पहला रहे और सब लोग पतंग के बहुत शौकीन है हाथे से पतंग का शौक कर रहे हैं अच्छा घर से सिखाया इन्हीं ने भाई सिखाए इस देश उस्ताद ने कंकवा भी हम लोग लड़ा रहे थे लेकिन दिमाग इन्हीं का था हाथ पैर हम लोग के तो आज के दौर में क्या करना चाह रहे हैं आप तो आजकल ना कोई उस्ताद रह गया समझ लीजिए ना कोई शागिर्द रह गया अभी एक हफ्ता भर पहले मैं देख रहा था अपने यहाँ टीवी मेरे बच्चों ने लगा दिया कि दुनिया का कोई प्रोग्राम हो आप देखिए जी जी 2000 रुपए महीना उसका खाली वो सब्सक्रिप्शन है तो दिल्ली में एक शादी थी उसने वो कोफ्ते पकाए थे उसका नाम रख दिया था नरगिसी कोफ्ता मैं बैठा बैठा झुल्ला रहा था मैंने कहा देखो सारे को तमीजी नहीं और उसने कोफ्ता मछली का बनाया कहा साहब कोफ्ता अरे कोई चीज़ है उसकी अहमियत मछली की अहमियत आप उसमें बताइए दिखाइए उसमें देखिएगा बिरयानी मैंने नाम वजूद मिटा दिया लखनऊ मेरा उसमें है कि बिरयानी कोई चीज़ नहीं है तो आपके नाम से अगर YouTube पे सर्च करते हैं फारूक हाँ, तो शकील भाई भी हमारे साथ बैठे हैं क्या कहना चाहते हैं शकील भाई कुछ पतंग के बारे में पतंग का इंटरव्यू है तो पतंग से रिलेटेड क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी उम्रदार उस जमाने से पतंग लड़ाते आ रहे हैं उनके साहबजादे भी पतंग लड़ा रहे हैं उस्ताद भी हैं और आपका भी काफी नाम है लखनऊ में पतंगबाजी में जी अभी आपने इनसे पूछा जिस वक्त ये पतंग लड़ाते तो उस वक्त पतंगबाजी थी अच्छा उस टाइम पतंगबाजी थी अब पतंगबाजी नहीं बदतमीजी अच्छा बदतमीजी हो गई खुद नोट करा होगा जब आप कभी मैदान में होते हैं कोई वीडियो बना रहे होते हैं जी जी देखते हैं अपोजिशन अगर किसी को कोई पेच काटता है तो कैसे झटक पटक होती है उस वक्त इतनी तमीज थी कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा पेच काटता था तो जो कटता था खिलाड़ी उसकी टीम से जो बड़े होते थे या वो खुद होता था जाकर पीठ ठोकता था कि शाबाश बहुत अच्छे से मनोबल मिलता है लेकिन अब आजकल तो अगर काट दिया या गलती से कट गई तो आप जानते हैं लड़ाई शुरू हो जाती है ऊपर नीचे हो जाओ मतलब कमी अपनी नहीं देख रहा है कि मेरा पेच कट गया सही कहा पहले ये था ये प्लेयर जहाँ खड़ा हो गया अब हम अपनी जगह सेट कर लेंगे हम इनसे कहेंगे नहीं कि पूरा मैदान हमारे पास है आज भी यही चीज है कि खिलाड़ी जो है वो सामने वाले से कुछ नहीं कहेगा कि तुम आगे दबो पीछे दबो वो अपनी जगह खुद बना ये बात है तो फारूक जी एक सवाल मैंने पूछा था उसका बताया नहीं कि जो पतंगे कैसे प्रिजर्व करे पतंगे बचाए कैसे क्योंकि पतंगे छेद हो जाता है काफी घंटे घुन जाती है आपके पास तक काफी ज्यादा कलेक्शन है और भी कलेक्शन है बचा हुआ है हमारे पास तो लोहे के बक्से हाँ, अच्छा। सब दंका जी जी तो अब जब बरसात आएगी जी तो हम चुप रहेंगे उसका जहाँ बरसात निकली हम सब कंकमों को धूप दिलाएं अच्छा धूप दिखाते हैं मतलब हाँ। बारिश के बाद एक बार धूप जरूर दिखाई और बाकी कुछ जैसे लोग कहते हैं कि मिर्ची डाल दो पाउडर डाल दो ये सब चने की दाल और चावल थोड़ी मिर्ची डालने अच्छा, से गुण नहीं लगेगा अच्छा मतलब ऐसा कोई फायदा नहीं होता नुकसान देता बस धूप एक चीज है धूप एक ऐसी चीज है जो उसको दिखाते रहे तो फायदा रहेगा पतंगे नहीं खराब हो अच्छा तीनों शागिर्द हैं इस टाइम जो कि दो एक साहबजादे हैं हमारे फारूक जी के और आरिफ भाई हैं जिन्होंने टूर्नामेंट उठाया और राहुल भाई जो इस टाइम कम उम्र के सबसे छोटे शागिर्द हैं अच्छा 32 कार्ड के रिकॉर्ड भी है जैम निकला किस क्लब को काटा था उसको यंग बॉयज को काटा था अभी जल्दी की बात है लॉकडाउन में ही इन्होंने काटे थे अच्छा बेस्ट स्कोरर टूर्नामेंट में उठाया मुन्ना भाई ने जो कि फारूक जी के साहबजादे हैं तो राहुल भाई क्या कहना चाहते हैं पतंगबाजी के बारे में आप अपनी एज अपने हुनर से बताइए क्योंकि देखिए उस्तादों ने तो बता दिया कि उन्होंने क्या सीखा है और कहां तक इस पतंग को लेके आए हैं क्या फायदे हैं आपका क्या कहना है अभी तो भाई हुनर यही खींच के ही लड़ाने अभी खींच के ही लड़ाना है लेकिन लंबे समय के लिए तो हमने सुना है कि फंसा के लड़ाना टेक्निक से लड़ाना ज्यादा जरूरी है अच्छा जब उम्र आएगी तब गेम सीखेंगे अभी नहीं अभी तो अभी दम है उसके बाद हमारे साथ हैं आरिफ भाई क्या कहना है पतंगबाजी के बारे में पतंगबाजी का आप लड़ाइए आपके हाथ पैर फिट रहते हैं अच्छा और ज्यादातर आदमी को खींची के लड़ाना चाहिए उससे आदमी फिट रहता अच्छा एक्सरसाइज बनी रहती है और साथ में मुन्ना भाई
बस पतंगबाजी एक जिम ही है, एक तरह जिम है, सुबह शाम चल रहा है जिम जितना और रोटी बात। अच्छा 15-20 दिन की छुट्टी बात, सब दिन पतंग ही लड़ती है, सब दिन पतंग ही लड़ती है। अच्छा 32 प्लेज ली कंकोबे से जो काटे हैं, आरिफ ने जो काटे। अच्छा इन्हीं की पतंग से भाई, ये हमारे साथ में सुलेमान भाई, इन्हीं के हाथ की ये पतंगे हैं जो रखी हैं, मैं दिखा दूं एक बार। तो सुलेमान जी ये पतंग को सेल करते हैं या सिर्फ शौकिया बना रहे हैं? ये देख सकते हैं सुलेमान जी शौकिया बनाते हैं, शौकिया बनाते हैं। और इन्हीं की पतंग से आरिफ जो है लड़ा रहे हैं, अभी पेच लड़ा रहे हैं किसी से, इन्होंने 32 पेच काटे थे। तो क्या कहना है, मतलब पतंग बनाने का शौक कैसे है? अच्छा उड़ाते उड़ाते बनाने का शौक हो गया, मतलब ज्यादातर जो कारीगर है वो उड़ाने वाले ही है। तो उड़ाते उड़ाते कुछ पतंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब से बना रहे हैं पतंगे भाई? ये 3-4 साल। अच्छा मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ? तो बहुत ही बढ़िया पतंगे बनाई है, काफी भारी भारी पतंगे बनाई है, क्या बात है, मतलब भारी पतंग क्यों? वो भाई ने सिखाया। अच्छा भाई ने, इदीस उस्ताद ने सिखाया? जी जी, ये देख सकते हैं काफी गोल पतंग है और भारी पतंग है, और काप ठड्डे भी कितने मोटे तगड़े लगे हैं। तो काप ठड्डे सुलेमान जी आप कहाँ से मतलब मंगाते हैं? ये मोनीपुरवा से लाते। अच्छा मोनीपुरवा से लाते हैं, फैंसी काप ठड्डे हैं, मोनीपुरवा लाते हैं। और जगह मैं उस्ताद बैठे हैं, यहाँ शकील भाई भी हैं, फारूक जी हैं, इदीस उस्ताद हैं, और यहाँ देखिए जितने लड़के जो पतंग लड़ा रहे हैं इनको यहाँ पे उस्ताद बैठ के बता रहे हैं कि किस तरह से पे लड़ाना है। सभी लोग देखिए टीम है, दो टीमें हैं आपस में लड़ा रही है, एक टीम उधर से बढ़ा रही छतों की ओर से, और ये यहाँ पे उस्ताद हमारे बताते हैं कि किस तरह से पे लड़ाना है। समझ लीजिए एक तरह से सिखाया जा रहा है यहाँ पे इस हाथे में, और काफी बड़े बड़े जो उस्ताद है यहाँ पे सीख के जा भी चुके हैं और नाम भी कर चुके हैं। देखिए उदेश उस्ताद बता रहे कौन कौन यहाँ आता है, कौन कौन आता है यहाँ पे? बाहर आते थे मौलवीगंज वाले, फैजान आते थे, ये कि आगा भी यही सीखे हुए पतंग खाते। अच्छा यहाँ उड़ाते थे, इस जमाने से पतंगबाजी यहाँ पे हो रही है, पतंगबाजी हो रही है, पतंगबाजी एक मतलब लत की तरह हो गया है, और यही के लड़कों का हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है जी। यहाँ के अलावा किसी पर रिकॉर्ड नहीं है पतंगबाजी। अच्छा जो रिकॉर्ड बने हुए हैं टूटने वाले जी, वे आगा के रिकॉर्ड है, आरिफ के रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड न टूटने वाले हैं, वैसे अल्लाह जिस पर इज्जत जिसका दे दे वो टूट। लेकिन जो भी बड़े रिकॉर्ड है वो लखनऊ के ही है। व्यूवर्स जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं कौन हूँ आप सब जानते ही हैं, ठीक से मुझे बताने की अपने परिचय देने की ज़रूरत है नहीं। जितने भी नए शौकीन हैं, नए जितने भी पतंगबाज हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि चाइनीज़ मांझे को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, और बिल्कुल भी इसको यूज़ ना करें, इसको हर तरीके से बैन करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं आए दिन जितनी भी वारदातें हो रही हैं, कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है, सिर्फ चाइनीज़ मांझे के चक्कर में। इतनी अभी बहराइच का एक केस आया है, उसमें भी पतंग की दुकानों पे छापे पड़ रहे हैं। तो जिस शहर में भी चाइनीज़ मांझा यूज़ हो रहा है, मैं वहाँ के शौकीनों से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी को अगर हम निभाएंगे तो मेरे ख्याल में ये चाइनीज़ मांझा बंद हो जाएगा। जो एसोसिएशन से अगर जाके दुकानों जितनी बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ एसोसिएशन नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ एसोसिएशन है ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी पतंग की दुकानें उनके आसपास हैं वहाँ पर जाकर चाइनीज़ मांझा बिक रहा है या नहीं बिक रहा है उसके विषय में उनको बात ज़रूर करना चाहिए। और जितने भी लोग चाइनीज़ मांझा यूज़ करते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस चीज़ को बंद कर दिए प्लीज़। पतंग का शौक करना है, कॉटन उड़ाइए, कॉटन से काट कट करिए, कॉटन से ही प्रैक्टिस करिए, चाइनीज़ मांझे का कोई इशू नहीं है। आप अगर इसको प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे कहीं किसी टूर्नामेंट में, तो चाइनीज़ हर जगह से बैंड है, हर जगह। तो मेरा जितने भी व्यूवर्स है सबसे यही बहुत अच्छी बात कही कि चाइनीज़ अगर पतंग के शौक को जिंदा रखना है तो चाइनीज़ का जो मांझे का इस्तेमाल है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, तभी जिंदा रहेगा शौक। वरना अगर चाइनीज़ नहीं बंद हुआ तो हम लोग की पतंगबाजी ख़त्म हो जाएगी, पुलिस परेशान करेगी, और क्यों ना परेशान करे, हाँ उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, लिहाजा ये जिम्मेदारी हम ही लोग की, हम लोग इस चाइनीज़ मांझे को बंद कर दें तो पतंगबाजी आगे बहुत आगे जाएगी। मैं दो दो तीन तीन बारिश जोर के लिए दिन दिन भर नदी दरिया पर पड़ा रहता था। अच्छा लूटने के लिए, लूटने के लिए सबका ऐसे ही होता, तो बचपने में ऐसे ही था। शौकीन थे उस्ताद रफत, वो बरेली के, वो आए हुए थे और उन्होंने पतंग लगाई, बहुत मुख्तसर से क्लब थे, तो उन्होंने तीन दिन तीन कल्पों को काट दिया और ये कह दिया कि अब लखनऊ में कोई लड़ाने वाला नहीं रहा। ये खबर नवाब मुन्ने मियाँ को पहुंची शीश महल। अच्छा उन्होंने अपने खादिम को भेजा कि जाओ उनको लेके आओ, उनका इंतजाम करो खाने पीने का, उनसे पतंग लड़वाएं और किसी भी कीमत पे उनको जाने ना देना, उनको लेके आना। नवाबी दौर था भाई, और माशाल्लाह से आज भी वो यहाँ से लेके भोपाल तक के नवाब हैं। खैर देरी का उनको लाया गया खुशामद करके, उनका खाना पीना उनका, फिर नवाब साहब उनसे मिले,
करने लगे यार तुमने कहा कि अब लखनऊ में कोई लड़ने वाला नहीं। अच्छा तो मेरा दिल कह रहा कि कल तुमसे शौक कर लूं। कहें हाँ हाँ साहब अब आपने रोका है तो कहें तो मैं पतंग का रंग भी बता दूं आपको। नवाब साहब ने लाल गंडोबा सफ़ेद ताव। अच्छा लाल गंडोबा सफ़ेद ताव। उस समय रोक नहीं थी लाल, अब तो बहुत रोक लगाते हैं लाल और अरे ऐसी वो तो तमीजी। अच्छा मतलब ऐसा तो वो पतंग उड़ाई उन्होंने और उधर से सुखन उस्ताद ने पतंग उड़ाई और पहला पेट नवाब साहब ने काट काटने के बाद में उन्होंने सारे पेट ऊपर से लगाए और नौ काट दिए। नौ काटने के बाद में नवाब साहब ने कनकौवा उतार लिया। वो उतर जाता है जी जी हाँ, तो कीजिए आपके आप नौ काटे नौ काटे फिर उनका उड़ाइए उनका। हाँ जब उड़ाया कनकौवा कभी फट गया कुछ हुआ शाम हो गई तो नवाब साहब ने कल लड़ेगा उनका नहीं देखो भाई अब तुम आना हवा आ जाए तो तुम लिखना मुझे आना मैं तुम्हारा शौक पूरा करा। अच्छा और अभी तो नहीं लड़ाऊंगा फिर मैं रुक जाता हूँ उनका दस दिन रुकिए मैं नहीं लड़ाऊंगा। अच्छा हाँ आखिर में वो अपनी ये तमन्ना लेके मर गए। अच्छा लेकिन लड़ाया नहीं दोबारा कि नवाब साहब से मैं लड़ाऊं बदला ले लूं। अच्छा बदला नहीं ले पाए ना। ये थी लखनऊ की शान कि तुम कैसे कह के जा रहे हो यहाँ यहाँ कैसे कह के जा रहे हो कि यहाँ कोई नहीं। ये अवध है यहाँ अवध के नवाबों ने यही सब किया। बटेरबाजी तीतरबाजी कोई शौक ऐसा नहीं था जो यहाँ से ना हो। सही बात यहाँ एक से एक शौक है यहाँ।